तो यार शिबुया इंसिडेंट आर्क का जो नया ट्रेलर आया था वो तो तुमने देखा ही होगा, क्योंकि रिसेंटली में उसका एपिसोड फर्स्ट भी रिलीज हो चुका है। और ट्रेलर के ही दौरान तुम्हारा ध्यान इस बंदे पर जरूर गया होगा जिसको कि हम पहली बार देख रहे हैं, और इसे देख के तुम्हारे मन में जरूर आया होगा कि आखिर है कौन बंदा। तो आज इस वीडियो में इसी बंदे के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये बंदा है कौन, इसका क्या रिलेशन है यूजी के साथ, और कैसे जब इसका और यूजी का सामना होता है तो ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है यूजी को, इतना कि सुकुना नहीं होता ना तो यूजी मर चुका होता। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। अब यूजी और इसका सामना कब और कैसे होता है ये सब मैंने वैसे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, और इसी वीडियो में मैंने इसका नाम भी बताया था जो कि था चोजो। लेकिन जैसे ही इन दोनों का एनकाउंटर होता है चोजो यूजी को देखते ही उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि मैंने इसी वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया था कि सीजन फर्स्ट में जो दो कर्सेज नोवारा और यूजी ने मिलकर मारे थे ना वो दोनों इसके भाई थे, और इसी रीजन की वजह से ये यूजी और नोवारा से बदला लेना चाहता था ऑब्वियसली, और यही रीजन था कि क्यों वो फेक गेटो के साथ मिलकर काम कर रहा था इन सारे कर्सेज के साथ। अब यह बंदा सबसे पहला ही अटैक करता है पियर्सिंग ब्लड के थ्रू। अब इस टेक्निक के दौरान बेसिकली यूजर ब्लड को मैनिपुलेट करता है, उसे ओवर द लिमिट कंप्रेस करके कंडेंस करके और एक सिंगल पॉइंट के थ्रू साउंड की स्पीड के साथ एनिमी पे छोड़ता है। अब यूजी को यह सब कहां पता था, इसलिए वो इस अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैक जैसे ही उसके हाथों को टच करता है वो समझ जाता है कि अगर वो उस जगह से नहीं हटा तो वो ब्लड यानी वो अटैक उसके हाथों के आर पार चला जाएगा, जिस वजह से उसको डॉच करना ही पड़ता है। और इसके बाद यूजी काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ अपना एक ही हाथ यूज कर पाता है क्योंकि दूसरा हाथ काफी ज्यादा बैडली डैमेज हो चुका था। अब इसके बाद चोजो यूजी से एक चीज पूछना चाहता था कि क्या उसके भाइयों ने कुछ आखिरी शब्द छोड़े हैं उसके लिए, जो सुनके यूजी काफी शॉक्ड, क्योंकि उसे क्या पता था चोजो के भाइयों के बारे में। लेकिन जब चोजो उससे ये बोलता है कि वही दो जने जो तुमने एक साथ मारे थे, तो तब जाके यूजी को रियलाइज होता है कि चोजो किन की बात कर रहा है, और वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए सैड होते हुए ये बोलता है नॉट रियली बट दे डिड क्राई, और ये चीज सुन के चोजो और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। और इसके बाद चोजो तुरंत ही यूजी पर अटैक करने की तैयारी करता है, जिसके दौरान यूजी यही सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही सेम अटैक उसके सिर पर लगा तो वो वहीं मर जाएगा। और क्योंकि चोजो ने अपने और यूजी के बीच का डिस्टेंस वो बढ़ा लिया था पीछे हटकर, और उसका जो ये पियर्सिंग ब्लड वाला अटैक था वो काफी ज्यादा फास्ट था, तो और कोई रास्ता ना देखने पर यूजी चोजो को कंफ्यूज करने के लिए छलांग मारता है, क्योंकि वो हवा में रहेगा तो उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाया। लेकिन इस चीज से चोजो समझ तो आता है कि यूजी क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल वो उस पर पियर्सिंग ब्लड के साथ अटैक करता है, और उसको यूजी तुरंत ही डॉज करके चोजो पर फिर से काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बार पियर्सिंग ब्लड यूज करने के बाद चोजो को थोड़ा टाइम लगता है दोबारा से वही अटैक करने में, और इसी चीज का फायदा यूजी उठाना चाहता था सो डेट वो चोजो के साथ फिस्ट टू फिस्ट लड़ सके। लेकिन भैया चोजो के पास सिर्फ पियर्सिंग ब्लड अटैक ही नहीं था, और इसलिए इस बार वो यूजी पे सुपरनोवा अटैक करता है, जिसके दौरान यूजर बेसिकली उन्हीं कंप्रेस्ड ब्लड ऑप्स के थ्रू जिनके की थ्रू वो पियर्सिंग ब्लड का यूज करता है उन्हीं कंप्रेस्ड और कंडेंस्ड ऑर्ब्स को रिलीज कर देता है। इस वजह से उन ऑर्ब्स में प्रेजेंट जो ब्लड है वो रैंडम डायरेक्शन में बहुत तेजी से रिलीज होता है। और इसके बाद भी चोजो रुकता नहीं है, यूजी को बिना मौका दिए अपने ब्लड की हेल्प से एक नाइफ क्रिएट करता है, और उसके एक पैर पे वार पे वार किए जा रहा होता है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम यूजी उसी डैमेज्ड पैर से चोजो पे अटैक करता है, जिसको चोजो आसानी से टैकल कर लेता है। लेकिन यूजी फिर दूसरे पैर से चोजो पे अटैक करता है, ये अटैक चोजो के सीधे मुंह पे पड़ता है। जब यूजी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये बंदा उन ऑर्ब्स के थ्रू ही पियर्सिंग ब्लड का यूज करता है, तभी चोजो बिना ऑर्ब्स के पियर्सिंग ब्लड अटैक करने का स्टैंस लेता है, जिससे यूजी कम्प्लीटली शॉक्ड। लेकिन गेस व्हाट, ये तो सिर्फ फेक आउट था। इसके थ्रू ओपनिंग मिलने पर चोजो यूजी पे धड़ाधड़ मुक्के मारने लगता है, यूजी को बिना कोई मौका दिए उस पे अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। फाइनली इतने सारे अटैक्स के बाद उसे टाइम मिलने के बाद वो पियर्सिंग ब्लड का यूज करता है फिर से यूजी पे। इस बार वो यूजी पे डायरेक्ट हिट कर पाता है इस अटैक के थ्रू, क्योंकि उसने ये सब जल्दी जल्दी किया था, तो इस बार ये पियर्सिंग ब्लड का जो अटैक था वो कमजोर रह गया था, यानी वो जो ब्लड था वो ढंग से कंप्रेस्ड और कंडेंस्ड नहीं हो पाया था। और दूसरी तरफ यूजी उसे अब जाके ये रियलाइज हो रहा होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हल्के में ले गया वो चोजो को।
इतने में यूजी की जेब में जो मैका मारू प्रेजेंट था वो हेलो हेलो करने लगता है। तो यूजी उससे तुरंत ही पूछता है कि भैया इतनी देर से कहाँ थे, क्यों नहीं जवाब दे रहे थे, क्या कर रहे थे। तो इस पे मैका मारू ये बोलता है कि इम्पोर्टेंट टाइम्स के लिए अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहा था। और जब वो चोजो को देखता है यूजी के सामने तो वो उसे तुरंत ही पहचान जाता है, क्योंकि उसका दोस्त कामो और चोजो एक ही तरीके की टेक्निक यूज करते हैं, यानी ब्लड मैनिपुलेशन। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, मैका मारो का दोस्त कामो वही है जिसको कि हमने सीजन फर्स्ट में देखा था, जिसने कि मैगुमी से फाइट भी की थी। अब यूजी को तो कुछ उम्मीद थी कि मैका मारो कुछ बताएगा, वीकनेस बताएगा, कमजोरी बताएगा, कैसे हरा जाए, लेकिन वो तुरंत ही ऐसा बोल देता है कि आई डोंट नो हिज वीकनेस। क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिसको कि एक ट्रेजर की तरह माना जाता है कामो फैमिली में, क्योंकि ये टेक्निक क्लोज, मिड और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए बेस्ट मानी जाती है, बैलेंस टेक्निक माना जाता है ऐसे। और उसके ऊपर से चोजो में कभी ब्लड की कमी होगी नहीं, जो कि एकमात्र वीकनेस है इस टेक्निक की। और इतने में चोजो फिर से यूजी पे अटैक करने लगता है पियर्सिंग ब्लड के थ्रू, जिस पे मैकामारू तुरंत ही यूजी से बाथरूम की तरफ भागने को बोलता है, क्योंकि उसके पास एक आइडिया था। लेकिन वो पहले क्लियर कर देता है कि इस आइडिया के पास होने के, सक्सेसफुल होने के सिर्फ 10% चांसेस हैं, और अगर ये आइडिया फेल होता है तो ग्रेसफुली मर जाना तुम। और जब यूजी बाथरूम की तरफ भागने लगता है तो ऐसा होते हुए देख चोजो काफ़ी सरप्राइज, इवन इडियट भी बोल देता है यूजी को कि उस तरफ जाके वो अपनी ही कब्र खोद रहा है, क्योंकि जिस तरफ वो जा रहा है उस सड़क काफ़ी कम जगह है, जिस वजह से उसका पियर्सिंग ब्लड अटैक आसानी से हिट कर सकता है यूजी को, जिस वजह से वो यूजी की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी उसे अचानक से आवाज़ें आने लगती हैं, और ये आवाज़ें सुन के वो रुक जाता है और सोच में चला जाता है कि यार इतना आसान नहीं होगा ऐसे हराना, इस बंदे ने मेरे भाइयों को हराया है। और साथ ही साथ इसके पास से एक और आवाज़ आ रही थी, आखिर वो कौन था। और इन्हीं चीज़ों की वजह से चोजो थोड़ा अलर्ट हो जाता है, और तभी उस साइड से आवाज़ आती है, तुम नहीं आ रहे क्या, यू कावर्ड जस्ट लाइक योर ब्रदर्स। और ये चीज़ सुन के चोजो फिर से बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही वो बाथरूम में पहुँचता है, सरप्राइजिंग फॉर हिम, बाथरूम में कोई भी नहीं था, उल्टा वहाँ पर तोड़ फोड़ रखी थी, सब जगह से पानी निकल रहा था। इतने में फिर से उसे मैका मारू की आवाज़ आती है जो कि ये बोल रहा होता है, ऑल थ्री ऑफ यू आर सो मच फुल ऑफ लव, पर इसी रीजन की वजह से तुम तीनों को मैनिपुलेट भी आसानी से किया जा सकता है। और इतने में वो छोटा सा मैका मारू जो प्रेजेंट था उसे चोजो पियर्सिंग ब्लड के थ्रू खत्म कर देता है। और इसकी तुरंत ही बात, अचानक से पीछे से एंट्री होती है यूजी की, जो कि तुरंत ही चोजो पे अटैक करता है और उसे बाथरूम के और भी ज्यादा अंदर ले आता है। अब यूजी को ऐसा सिंपल अटैक करता हुआ देख वो यही सोच रहा होता है कि तेरा तो खेल खत्म हो। लेकिन शौक तो चोजो को तब लगता है जब उसे ये रियलाइज होता है कि वो अपना ब्लड कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, यानी कंडेंस फॉर्म में नहीं ला पा रहा उसे, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वाटर प्रेजेंट अराउंड हिम। और यही तो यूजी और मैकामारू का प्लान था, जिससे कि चोजो अपने ब्लड को अपनी बॉडी के बाहर कंट्रोल ना कर सके, और एग्जैक्टली ऐसा ही चोजो के साथ होता है। इसके बाद चोजो अपनी एक और टेक्निक फ्लोइंग रेड स्केल का यूज करता है, जिसके की थ्रू आई थिंक वो अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको मैनिपुलेट करता है, सो डैट उसके अटैक्स जो हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए यूजी के अगेंस्ट में। अब इस टेक्निक का इस फाइट पे क्या असर पड़ेगा, इसका तो उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसे इतना ज़रूर क्लियर था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और इस जगह पे चोजो और वो बराबर है कॉम्बैट स्किल्स में। इसके बाद वो दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें यूजी भारी पड़ रहा होता है चोजो पे, जिस वजह से यूजी को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो जीत सकता है। लेकिन तभी चोजो कुछ इस तरीके से पियर्सिंग ब्लड का यूज़ करता है सो डैट वो ब्लड पानी के कॉन्टैक्ट में आए, और इस अटैक का असर सीधा यूजी के लिवर पर होता है। और तुम यूजी के चेहरे से समझ सकते हो कि ये बंदा कितना सरप्राइज हो जाता है इस अटैक से। लेकिन यूजी को और हम सबको ये बाद में रियलाइज होता है ये कोई पियर्सिंग ब्लड अटैक नहीं था, बल्कि ये उसकी अलग ही टेक्निक थी जिसका की नाम था ब्लड मीटियोराइट, जिसमें कि वो ब्लड को एक बहुत ही शार्प और छोटे पत्थर की शेप दे सकता था और उसे गोली की तरह यूज कर सकता था। और ये रियलाइज करने के बाद यूजी अंधेरे में चला जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सोचकर कि ये बंदा यूजी को सिर्फ पियर्सिंग ब्लड के थ्रू हार्म पहुंचा सकता है। और क्योंकि उसने यूजी के वाइटल पे अटैक किया था तो यूजी के मन में सिर्फ यही घूम रहा होता है कि क्या वो हार जाएगा, क्या वो मर जाएगा। और उतने में ही वो फाइटिंग स्टैंस लेता है ये समझने के बाद कि यही तो उसका रोल है कि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी बुराई को हराना। और इस मिशन में उसका मेजर रोल यही है कि किसी ना किसी तरह जितने भी लोग एंटर कर चुके हैं शिबुया में उन सभी को गोजो सेंसे तक पहुंचाना,
सो डैट एवरीवन कैन रेस्क्यू हिम। और अगर ऐसा करते हुए वो मर भी जाता है तो ये चीज भी यूजी को स्वीकार है। इसके बाद हमें चोजो दिखाया जाता है जो कि भले ही शो ना कर रहा हो लेकिन उसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी और वो यही सोच रहा होता है। सिर्फ 3 हिट्स मारे हैं यूजी ने उस पर जिसमें से एक उसने ब्लॉक भी किया है लेकिन स्टिल उसको इतना ज्यादा डैमेज पहुंचा है। और रही बात ब्लड मीटियोराइट की तो ब्लड मैनिपुलेशन का कुछ इस तरीके से यूज करना बेकार रहता है क्योंकि ब्लड की प्रॉपर्टीज ही हैं शार्पनेस के साथ स्ट्रॉन्ग अटैक करने की, जिस वजह से पियर्सिंग ब्लड काफी सुपीरियर अटैक है किसी भी अटैक के कंपैरिजन में जब तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हो। और इसके बाद हमें नरेशन के थ्रू ये क्लियर करा जाता है कि भले ही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चोजो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ब्लड को मैनिपुलेट कर रहा हो लेकिन ये चीज काफी ज्यादा रिस्की है बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस जिससे उसकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग बिगड़ सकती है। लेकिन स्टिल चोजो इस टेक्निक का यूज कर रहा है क्योंकि वो यूजी को काफी बड़ा थ्रेट मानता है और ये चीज यूजी टाइम टू टाइम प्रूव भी कर रहा था उसे। और इसी के साथ फिर से इन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है। लेकिन इतनी देर चोजो के साथ फाइट करने के बाद यूजी आसानी से उसके अटैक्स को प्रिडिक्ट कर पा रहा था क्योंकि हम सबको पता है यूजी भैया हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर तो है ही। और इसके बाद अचानक से यूजी गेट बंद करके एक वॉशरूम में जाने की कोशिश करता है जिस पे चोजो थोड़ा सरप्राइज कि भागने की कोशिश कर रहा है क्या। और इतने में यूजी सरप्राइज अटैक के थ्रू चोजो पे एक बहुत तगड़ा हिट लैंड कर पाता है लेकिन समहाउ एंड टाइम पे चोजो जैसे तैसे उस हिट से बच जाता है, टैकल कर पाता है। और इसके बाद यूजी रुकता नहीं है, लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो तभी वो अपने लेफ्ट आर्म का यूज कर लेता है क्योंकि उसे पता था इस पूरी फाइट में क्योंकि उसने लेफ्ट आर्म का यूज नहीं किया है तो चोजो को ऐसा ही लग रहा होगा कि उसके पियर्सिंग ब्लड अटैक की वजह से यूजी अपना लेफ्ट आर्म यूज नहीं कर सकता। और ठीक ऐसा ही होता है, यूजी क्लियर हिट कर पाता है चोजो पे अपने लेफ्ट आर्म के थ्रू लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम चोजो पे उस अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता, उल्टा चोजो काउंटर अटैक में यूजी का कंधा ही उड़ा देता है जिसके बाद वो एक मुक्का ही मारता है और यूजी को दीवार में चिन देता है। और इस अटैक के बाद यूजी लिटरली खून की उल्टियां देने लगता है और अनकॉन्शियस भी हो जाता है लेकिन स्टिल क्योंकि यूजी अभी भी ब्रीद कर रहा था तो चोजो उसे फाइनली खत्म करने वाला होता है। और ऐसा करने से पहले उससे ये भी बोलता है कि जब तुम दूसरी साइड जाओ तो ढंग से माफी मांगना मेरे भाइयों से। लेकिन तभी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है जिससे हम सब और चोजो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। चोजो तो इतना घबरा जाता है कि वो चिल्ला चिल्ला के पसीने छोड़ने लगता है क्योंकि चीज ही कुछ ऐसी थी यार जो की थी चोजो की मेमोरीज में यूजी की एंट्री जहाँ पर कि चोजो अपने दोनों भाई और यूजी के साथ खाना खा रहा है एक फैमिली की तरह। और इसी रीजन की वजह से वो यूजी को उसी हालत में छोड़ के वहां से निकल जाता है। अब यूजी और चोजो की फाइट तो यहीं पे खत्म हो जाती है लेकिन शिबुया इंसिडेंट आर के एंड में हमें पता चलता है कि चोजो यूजी का बड़ा भाई है और ये सब कुछ इस फेक गेटो ने प्लान किया था जिससे कि चोजो ही यूजी को मार दे और ऐसा होने पर चोजो खुद भी टूट जाए। और चोजो के ही थ्रू हमें ये भी रिवील होता है कि चोजो के 3 पेरेंट्स हैं, एक माँ, एक बाप, एक कर्स स्पिरिट जो कि उसके बाप में प्रेजेंट थी। और उस कर्स स्पिरिट ने लिटरली उसके माँ के साथ खेला था जब वो उसके पेट में था और इसी रीजन की वजह से चोजो ना तो पूरी तरह इंसान है ना ही पूरी तरह कर्स स्पिरिट है। और भैया इस चीज से और क्या प्रूफ होता है कि यूजी ने भी इसी तरीके से शायद जन्म लिया है क्योंकि जैसे चोजो के बाप के सिर पे स्टिचेस थी वैसे ही यूजी के माँ के सिर पे भी स्टिचेस थी। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में ये जरूर बताना कि शिबुया इंसिडेंट आर्क जो अब कवर होने वाला है एनीमे में उसमें तुम्हारी फेवरेट फाइट कौन सी है क्योंकि कोई सी भी फाइट क्यों ना हो हर फाइट मैंने कवर कर रखी है। जीजे के की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम बातचीत करना चाहते हो एनीमे की। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।